गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो है अंदरून लाहौर के बारे में, और उसकी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे एक दोस्त हैं हसान साहब, इनके पास है। इस टाइम हम आए हैं मस्जिद वज़ीर खान, दिल्ली गेट से हम एंटर हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद वज़ीर खान, मस्जिद वज़ीर खान देखेंगे, इसके बाद हम जाएँगे बादशाही मस्जिद, और उसके बाद हम लोग जाएँगे मीनार पाकिस्तान, उसके बाद हम लोग फज्जे के खाएंगे पाए। और नहीं यार, इतनी देर के बाद पाए खाने दोने, वो सारा कोई देखने के पाए पहले खाने, पाए पहले खाने, पाए पहले खाने, वज़ीर खान मस्जिद देखने के बाद हम खाएंगे पाए। और अभी जो है तकरीबन 7 बजे, तकरीबन 7 बजे, हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इस टाइम वज़ीर खान मस्जिद में हैं। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इसकी जो कहानी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। शेख इल्मुद्दीन ने इलाज किया था क्वीन नूर जहाँ का, और 1577 से 1645 तक, और उसने जो पहना हुआ था सोना वगैरह वो सारा उसने उसको दे दिया था। तो एक वज़ीर ने वो सोना कलेक्ट कर लिया, और उसने वो सोना जो है ना वो इस्तेमाल किया एक्चुअली इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए। और कहते हैं कि जो वज़ीराबाद सिटी है ना वो भी शेख इल्मुद्दीन के नाम। इस मस्जिद में बहुत कीमती पत्थर इन लोगों ने लगाया था। इस मस्जिद की जितनी भी तज़ीन और आयश हुई थी उसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च किया था। 1858 के बाद जब गोरे आए, उसके बाद 1947 में जब वो बरेसरी छोड़ के गए, तो बहुत सारा कीमती सामान वो इधर से भी चोरी करके ले गए थे। बहुत सारे कीमती पत्थर वो इधर से चोरी करके ले गए थे, जो इस टाइम लंदन म्यूज़ियम के अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। उसके बाद इस मस्जिद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता इस मस्जिद को दोबारा से रेनोवेट करना स्टार्ट किया, ऊपर जाले लगा लिए ताकि ऊपर वाली छत जो है वो अपनी असली हालत में रहे। इस मस्जिद की बाकी दीवारों को केमिकल लगा के इन्होंने प्रिजर्व कर लिया। अभी हम मस्जिद वज़ीर खान से होके आए हैं दिल्ली गेट। दिल्ली गेट लाहौर के बकिया 6 गेटों में से एक गेट है जिनको रेनोवेट करके अपनी ओरिजिनल हालत में कुछ ना कुछ हुकूमत ने रखा हुआ। दिल्ली गेट का नाम दिल्ली गेट क्यों पड़ा, क्योंकि अगर आप ईस्ट में सीधा चलते जाएं तो आप इसी सेम डायरेक्शन में दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये शाही हमाम के बिल्कुल एडजेसेंट है, और इधर से ही आपका मस्जिद वज़ीर खान की तरफ भी रास्ता जाता है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे रेलवे स्टेशन है, और इसके बिल्कुल सामने लाहौर का मशहूर लंडा बाज़ार है। Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. हम आ गए जी भज्जे के पाए खाने, और पाए भी हमारे आ गए हैं। और इनको खाने का एक ही तरीका है कि बड़ा वाहियात तरीका है, हम भी उसी से खा रहे हैं। तो लस्सी मंगवाई है, और उसके बाद अगर हमें जाग आ गई तो हम बाकी का व्लॉग बनाएंगे। You got me thinking, whoa, I don't know how
रास्ता हमने कर लिया है और काफ़ी मज़े का था, जान में जान आई है। अब बकायदा स्टार्ट किया जाएगा लाहौर का टूर। अभी हम जिस एरिया में, ये है हीरा मंडी, हीरा मंडी का नाम का सुना हुआ होगा और इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। अभी ज़रा गाड़ी में बैठते हैं, आपको थोड़ी सी बताते हैं। और ऐसे है यहाँ पे कबाब शबाब और अच्छे खानों के अलावा म्यूज़िक का बड़ा काम है। इधर आपके लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की सबसे फेमस म्यूज़िक मार्केट है, जहाँ पे हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट आपको हैंडमेड, हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। जो लोग म्यूज़िक की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनको, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने बैंड स्टार्ट करने होते हैं, वो इधर आते हैं, इधर से लोगों को हायर करते हैं और वो उनके लिए बजाते हैं। तो ये बाज़ार मशहूर हुआ था, मुग़ल एम्परर्स जो थे वो इधर आया करते थे, वो इधर से ख़वातीन को बुलाया करते थे जो उनके लिए डांस किया करती थी। शहर से बाहर था, टक्साली गेट से बाहर था ये, और बड़ी गरीब ख़वातीन थी वो, तो वो आया करती थी दरबारों में और दरबारों में डांस करके वापस चले जाया करती। रक्स भी उस कल्चर का पार्ट था जो कि अब इतने सालों बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप कभी रात के टाइम आएँ तो आपको उन महफिलों की हल्की सी झलक ज़रूर मिल जाती है। और अब हम आ गए हैं हीरा मंडी से बाहर। Awaken my spirit now. You got me thinking, oh. लाहौर देखने के लिए लाहौर की साइट सीइंग बस का ट्रिप लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ दो लोग थे। जी आज बस नहीं चला रहे और जो बस है वो अब शाम को है 6:45 बजे, अगर उसमें भी बंदे पूरे हुए तो जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तो ये तो प्लान हो गया सत्यानाश हो गया। और दूसरी बात बतानी, इमरान खान बता दे बता देते यार, आज आ रहे हैं इमरान खान साहब, तो हम बादशाही मस्जिद भी कहते लेकिन उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, कहते आज प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो भाग जाएं, वो भी नहीं गए। खैर देखते हैं और क्या कर सकते हैं आज। तो आइडिया क्यों ना जहांगीर के मकबरे जाया जाए, क्योंकि ये अंदरून शहर में नहीं है और रावी की दूसरी साइड पे है, और यहाँ पे जाने के लिए बेस्ट और फास्ट वे जो है लाहौर की मेट्रो है। अभी मैं जिस जगह पर, इसे कहते हैं जहांगीर सराय, मेरे साथ हैं मेरे गाइड इजाज़ भाई। ये हमें बताएंगे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। क्यों इजाज़ भाई? सर अकबरी सराया कहते हैं इस इलाके को। अच्छा, इसमें 180 कमरों की कतारें हैं, कमरों की तादाद 180 है। ये मेहमानों के लिए ये तमीर यहाँ पे शाहजहाँ ने यहाँ पे ना अकबरी सराय के नाम से एक गेस्ट हाउस तमीर करवाया था। जो लोग दूर दराज से आते थे, मुख्तलिफ इलाकों से आते थे, वो इधर आकर रात को क्याम करते थे, सुबह सवेरे फिर जल्दी उठकर रावी क्रॉस करके और फिर शहर में दाखिल होते थे। लिहाजा ये गेस्ट हाउस के हमें या गेस्ट हाउस के तौर पर यूज़ किया जाता है। पत्थर का नाम है संगे सुरख। ये तमाम पत्थर इंडिया के शहर राजस्थान जयपुर से ये मंगवाया जाता था। ये अपनी असली हालत में है, ओरिजिनल कंडीशन में है, तो इसमें इनले काम किया हुआ है, तो सारा जेन्युइन कंडीशन में है। ये हाफ गुंबद है जो मकबरे का, दरवाजे का मेन गेट है, हाफ गुंबद है, अट्रैक्टिव टू हनीकॉम डिज़ाइन। यहाँ पे हम आ गए हैं दिलकुशा बाग में। ये मलका नूर जहाँ का बाग था जी, रावी के किनारे पे, तो जिससे 1627 में ये इमारतें बनवाना शुरू की थी, जो कि 1637 को मुकम्मल होगा। तो 1627 में जब कश्मीर से वापसी पर किंग बादशाह का इंतकाल हुआ,
تو وہاں سے پھر واپس لایا گیا تھا جو آخری ول کے مطابق جو آخری خواہش تھی بادشاہ کی اس کے مطابق یہاں پہ لا کے دفنایا تھا اور پھر اس سے شاہ جہاں بادشاہ نے بنوایا تھا اور پھر انڈیا میں تاج محل تعمیر کروایا تھا انہوں نے یہ اپنے باپ کے لیے ادھر پھر بیگم ملکہ ممتاز کے لیے بنوایا تھا تاج محل یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ پورا ایک پیس ہے اور جو اصلی قبر ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس کے نیچے ہے ہم لوگ آگے ہیں ابھی چھت کے اوپر اجاز بھائی نے اپنے کانٹیکٹ وغیرہ لگائے ہیں اور ہم لوگ آگے ہیں اوپر ویسے یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں اور انہوں نے مجھے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتایا کہ یہ جو اس کی چھت ہے نا یہ کنکریٹ کے بغیر بنی ہوئی ہے یہ جو پرانے دور میں یوز کرتے تھے چونا چار دالیں اور کنکر وغیرہ جو ہے نا یوز کرتے تھے اور یہاں پہ ایک اور قبر ہوتی تھی جو راجا رنجیت سنگھ یہاں سے اٹھا کے لے گیا اور آج کل وہ پائی جاتی ہے حضوری باغ وہ جو فورٹ اور بادشاہ مسجد کے درمیان میں وہاں پہ ہے ابھی مرسا کھانا کیسا ہے بھائی اس وقت ہم لوگ فورتھ ویو کے ٹاپ پہ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ویو اور کھانا دونوں ہی بہت زبردست ہے کھانا بہت اسپائسی ہے ٹریڈیشنل لاہوری کھانا ہے یہ چکن کباب ہیں اور یہ چکن ہانڈی ہے اور یہ چیز والے جو ہیں وہ ٹکے ہیں جھوٹ نہ بول صحیح سے دست ہے کس طرح کھانا کھانا تو بہت زبردست ہے مجھے تو بہت اچھا لگا یہ ہیں جی میرے دوست مرسا صاحب اور یہ ہیں جی عمر جوید ایڈونچر ٹریکس اینڈ ٹورز والے ہم دونوں ہم تینوں گئے تھے 2012 میں کے ٹو بیس کیمپ کا ٹور کیا تھا اور اس کے بعد سے اس نے بنا لی ہے اپنی ایک اعلیٰ سی کمپنی اور پھر ہم نے گئے تھے 2016 میں ہم نے لک پلا کیا تھا یہاں پہ جو ویو ہے اور جو کھانا ہے وہ بہت اعلیٰ لیکن سارے پیسے جو ہے نا وہ ویو کے ہیں دیکھ رہے ہیں آج جو ہے نا عمران خان صاحب کا ایک وزٹ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی آج سارا دن بند رہا کل بھی بند رہے گا اور آج کا ولاگ ایز اے ٹورسٹ جو میں نے کیا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جتنا آپ نے میرا ولاگ دیکھا اور آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ولاگ ہاں سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا